हमीरपुर जिला में गत 10 दिनों के भीतर 3 लोगों से एटीएम पिन नंबर पूछकर पैसे ऐंठने के फर्जीवाड़े वाले गिरोह ने नाक में दम कर रखा है। वहीं पुलिस भी इस मामले पर अंकुश लगाने के लिए फिसड्डी साबित हो रही है और आए दिन लोगों से हो रही धोखाधड़ी से लोग अब चिंतित दिख रहे हैं। पिन कोड नंबर पूछ खाते से पैसे उड़ाने वालों के ऊपर कार्रवाई न करके पुलिस केवल लोगों को सचेत रहने के लिए आगाह करती नजर आ रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी शिष्य बना हुआ है। हमीरपुर पुलिस एसपी रमन कुमार मीना ने लोगों को जागरूक रहने के लिए आग्रह किया और कहा कि लोग मोबाइल फोन पर जानकारी पूछने पर ना बताएं और इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए लोगों को पूरी तरह से पहले पड़ताल करनी चाहिए। एसपी मीना ने बताया कि पंधेर सोसाइटी के भी फर्जीवाड़ा करने पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों के पैसों को रिकवर करने के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल जो इस क्षेत्र में जो 420 हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर किसी फोन कॉल करके एटीएम के नंबर मांग लेना या अकाउंट नंबर मांगना, बाकी डिटेल्स मांग के पैसे निकाल लेना, ऑनलाइन ठगी, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि इंश्योरेंस का नाम लेकर लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, या 420 के अन्य केसेस। तो इसमें जो जनरल टेंडेंसी ये है कि लोगों में थोड़ा जागरूकता का अभाव है, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग की जितनी मीटिंग होती है उसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े टॉकेटिव होते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, वो और लोगों से भी इस बारे में बताएं। और पुलिस का जहाँ भी जनता से संपर्क होता है मीडिया के जरिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें। कोई भी ऐसा फ़ोन कॉल आए जिसमें कि आपकी ऐसी सूचनाएं मांगी जा रही हैं जो कि आपके पैसे से, आपके बैंक डिटेल से संबंधित हैं, तो उसको बिल्कुल ना दिया जाए। ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसकी पुलिस में शिकायत करी जाए। पुलिस इस मामले में अलग से एक साइबर सेल बना रही है जिला पुलिस हमीरपुर, जो साइबर सेल इस तरह के मामलों को डील करेगी। पिछले एक साल से ज़्यादा के वक्त में करीबन 22 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं और लोगों को संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। तो हम चाहते हैं कि जनता जागरूक बने, इस तरह के केसेज में वो सावधानी बरते, अपनी कोई भी सूचना, किसी भी तरह की जानकारी जारी करते समय, किसी को बताते समय वो ध्यान रखें कि ये फ्रॉड हो सकता है, ठगी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस की जांच हम तेज कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इनकी जड़ तक पहुंचे। कुछ मामलों में हमने सफलता भी पाई है, जैसे कि जो पंधेड़ सोसाइटी का मामला था जिसमें फाइनली जो सचिव थे उसको सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि इतना पैसा उनका एक इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे वो चला गया था। उसमें हमने एक अरेस्ट किया है, एक खाता भी सीज किया है, कुछ पैसे रिकवर करेंगे, बाकी की आगे की गिरफ्तारियां भी करेंगे। पुलिस सफलता भी पा रही है इस तरह के मामलों में, लेकिन जो पहला स्टेप है वो है लोगों का सतर्क रहना। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और वो सावधानी बरतें। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के बड़सर में 2 लोगों से एटीएम पिन कोड मांगकर 2 लाख के करीब ठगी की जा चुकी है, तो 3 दिन पहले ही 1 लाख के करीब एक अन्य मामले में ठगी की जा चुकी है। हालांकि इन सारे मामलों की पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पाने से पुलिस के हाथ खाली हैं।